अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है तुमने? इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे? चौबीस वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है पुरुष अर्थात परमात्मा का अंश, उसे आत्मा कहा गया है। जब प्रकृति और पुरुष का मेल होता है अर्थात जब परमात्मा का अंश आत्मा बनकर देह में वास करता है तब मनुष्य जीवित होता है। मनुष्य जैसे रथ का उपयोग करता है वैसे ही आत्मा शरीर नाम के इस यंत्र का उपयोग करती है। शरीर के माध्यम से शरीर के सुख दुख का उपभोग करती है किंतु आत्मा शरीर नहीं पार्थ। शरीर का नाश किया जा सकता है किंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। आत्मा ना शस्त्रों से छेदी जा सकती है और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती है। ना जल उसे निर्बल कर सकता है और ना ही पवन उसे सुखा सकती है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर। न हन्यते हन्यमाने शरीरे पार्थ। शरीर की हत्या की जा सकती है किंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। पुराना वस्त्र त्याग कर जैसे मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करती है। परंतु माधव, मैं तो जगत का अनुभव अपने शरीर के माध्यम से ही करता हूं। स्वयं को देह न जानकर मैं आत्मा कैसे जान सकता हूं? स्वयं को आत्मा के रूप में जानना असंभव भी नहीं पार। अंध भी जीते हैं, गूंगे भी जीते हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं होते वो भी जीते हैं। स्पष्ट कि शरीर मनुष्य नहीं, जिसकी चेतना चली जाती है, जिसे मूर्छा आ जाती है वो भी जीवित रहता है। इसलिए स्पष्ट है कि मनुष्य का चेतन तत्व वो भी शरीर नहीं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर खोज करता है, मैं इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, भावनाएं नहीं, विचार नहीं, ज्ञान भी मैं नहीं, जो ये समझता जाता है वो अंत में स्वयं को आत्मा के रूप में जान ही लेता है। प्रकृति के 24 पदार्थों से घिरी आत्मा को विस्मरण हो जाता है कि वो परमात्मा का अंश है। अधिकतर आत्माएं अपनी देह को ही सब कुछ मानती हैं, स्वयं देह से भिन्न है ये जान ही नहीं पाती। शरीर को जो सुख दुख स्वाद गंध आदि का अनुभव होता है उसे अपना अनुभव मान लेती है और बदलाव का प्रयास ही नहीं करती। जो आत्माएं बदलाव का प्रयत्न नहीं करती, निरंतर अधर्म करती रहती है, उन्हें जागृत करने के लिए दंड देना अनिवार्य है। तुम भी ये जान लो पार कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं
जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने शरीर में वास किया। इनके शरीर मरेंगे किंतु ये सब अमर वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे। जब तक स्वयं को शुद्धात्मा के रूप में जान नहीं लेंगे, जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते और मरते रहेंगे। जो जन्मा है वो अवश्य मरे और जो मरता है वो अवश्य फिर से जन्म लेगा। इस महाज्ञान को सांख्य योग कहते हैं। धर्म और अधर्म क्या है माधव? जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब उसे यह अनुभूति होती है कि ये सृष्टि ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो मनुष्य ये जान लेता है वो दूसरे मनुष्यों और प्राणियों की ओर निर्दयी और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है कि जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। ये जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं।